If log of 5 to the base 4 equal to x and log of 6 to the base 5 equal to y, then log of 3 to the base 2 निकालना है is equal to 1. तो इसको हम लिख सकते हैं log of 5 divided by log of 4 equal to x. क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि अगर log of b to the base a दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं log of b divided by log of a. इसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पर यूज किया है. सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं log of 6 divided by log of 5 equal to y. अगर मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, इसको अगर हम 2 मान लें, तो 1 और 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दें 1 into 2 इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा log 5 divided by log 4 into log 6 divided by log 5 equal to क्या हो गया? x into y. log 5 से log 5 कट गया, ये और क्या आ गया? log 6 divided by log of 4 equal to x into y. इसको और लिख सकते हैं, log 6 को क्या लिख सकते हैं? log 2 into 3 divided by log 4 को लिख सकते हैं log 2 square equal to x into y. अब यहाँ पर देखेंगे अगर कि log of a b दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं log of a plus log of b. एंड अगर दिया है लॉग ए टू दी पावर एम, तो इसको हम लिख सकते हैं एम लॉग ए. ए और दो फॉर्मूला यूज होगा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने में. इसको और लिख सकते हैं क्या? लॉग ऑफ टू प्लस लॉग ऑफ थ्री डिवाइडेड बाय टू लॉग टू इक्वल टू एक्स वाई. ए और क्या हो गया? लॉग ऑफ टू प्लस लॉग ऑफ थ्री डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ टू इक्वल टू टू इंटू एक्स वाई. log 2 divided by log 2 plus log 3 divided by log 2 equal to 2xy. ये हो गया 1, ये से कट गया 1 times plus. अब इसको क्या लिख सकते हैं? अगर ये फॉर्मूला अगर ध्यान में है, ये वाली फॉर्मूला, तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करेंगे. ये क्या हो गया? log of 3 to the base 2 equivalent to 2xy. तो log of 3 to the base 2 equal to क्या आ गया? 2xy minus 1. यही निकालना था, log of 3 to the base 2, तो 2xy minus 1, this is the answer. तो इसका आंसर क्या हो गया? equal to 2xy minus 1. ये हो गया आपका आंसर.